Assalamualaikum. Welcome to Mathematics इस लेक्चर में हम देखेंगे कि abelian group या commutative group कौन सा group होता है? देखते हैं जी डेफिनेशन अबिलियन ग्रुप या commutative group की डेफिनेशन क्या है जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि कोई कम्यूटेटिव लॉ जो है उससे रिलेटेड कोई ग्रुप है डेफिनेशन देखते हैं अ ग्रुप जी ऑपरेशन इज सेड टू बी अबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप कंडीशन क्या है जी टिस्फाइड दम्यूटेटिव लॉ अगर कोई ग्रुप होगा सेट और उसके बाद वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा तो वो सेट क्या कहलाएगा कम्यूटेटिव ग्रुप क्योंकि हम सेट्स को ग्रुप बोलते हैं सेट्स को ग्रुप इसलिए बोलते हैं जब उनपे स्पेसिफिक कंडीशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो अप्लाई कर रहे हैं वो सेट जो हो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता होगा अब इसमें डेफिनेशन में बताया गया है कि वो ग्रुप होगा हम पढ़ चुके हैं ग्रुप सेमी ग्रुप और उसके बाद ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है जिसमें हमने सेट्स पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगाई हैं कि वो प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हुए वो ग्रुप है मोनाइड हैं सेमी ग्रुप हैं या ग्रुपॉइड हैं अब इसमें उन्होंने कहा है कि वो ग्रुप ही कम्यूटेटिव ग्रुप होगा वो ग्रुप ही ग्रुप कौन सा होता है जो क्लोयर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे आइडेंटिटी एलिमेंट को भी होल्ड करे इनवर्स ऑफ एलिमेंट भी रखता हो वो क्या कहलाता है हमारा ग्रुप तो वो ग्रुप ही जो है कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा जो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा अब ये कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव कर रही है कम्यूटेटिव लॉ है क्या देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी अगर ए और बी कोई से दो एलिमेंट हैं जो हमने सेट जी में से लिए हैं इसका मतलब यह है कि जब उन पे हम चाहे उन दोनों की प्लेस चेंज करके कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगा दें तो सेम वैल्यूज के साथ वही बाइनरी ऑपरेशन की प्लेस चेंज करके आंसर उन दोनों का सेम आना चाहिए इस ग्रुप में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस किया लेकिन उससे पहले जो ग्रुप तक जो डेफिनेशन पड़ी है पिछले लेक्चर्स में अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो कांडली इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और पहले जो पहले वीडियो लेक्चर हैं उनको देखें ताकि आपको पिछली तमाम जो इससे कॉम्पिटेटिव ग्रुप से रिलेटेड जो डेफिनेशन हैं वो समझ में आ जाए और ये कॉम्पिटेटिव ग्रुप जो है वो समझना ईजी रहे हमने कॉम्पिटेटिव ग्रुप से पहले तक जो ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें ये चार पांच प्रॉपर्टीज देखी है इनमें सबसे पहले हमने क्लोयर प्रॉपर्टी देखी क्लोयर प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि फॉर ऑल फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी तो जब ए को बी में प्लस करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो भी बिलोंग करता होगा जी से ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी इसके बाद हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी देन ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी मस्ट बी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के इक्वल इनका आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ चुके हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट ये कहता है कि किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट जैसे मैं x कहता हूं x में कोई मैंने एलिमेंट ले लिया सेट g में से मैं उसमें सेट से ही कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं जिसको जब उस uh, x वैल्यू में पुट करूं या वो स्पेसिफिक वैल्यू को एक्स वैल्यू में पुट करूं तो मेरा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए वो एक्स एलिमेंट ही आना चाहिए इसके अलावा मल्टीप्लाई करूं मल्टीप्लाई करूं ओरिजिनल एलिमेंट ही है तो ये जो एलिमेंट होता है वाई आ जाता है तो वाई जो एलिमेंट है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके बाद इनवर्स हमने पढ़ा इनवर्स क्या होता है कि अगर एक्स है तो इसमें मेरे पास सेट में ऐसा नंबर मौजूद होना चाहिए कि उसको मैं माइनस करूं एक्स में से तो मेरे पास जीरो आ जाए प्लस माइनस करूं तो मेरे पास जीरो आ जाए इनवर्स ऑफ एलिमेंट पढ़ा है कि सेट में हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए वो क्यों अगर हम उस एलिमेंट को स्पेसिफिक एलिमेंट जैसे एक्स है एक्स में से उस एलिमेंट को प्लस या माइनस करें तो हमारा आंसर जो है वो एडिशन के तौर पे जीरो आना चाहिए और डिवीजन के तौर पे हमारा जो है आंसर डिवीजन जब हम प्लस का बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो आंसर हमारा जीरो आना चाहिए और जब हम डिवीजन का और जब हम मल्टीप्लीकेशन का बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो आंसर हमारा वन आना चाहिए तो एक्स को हम जब माइनस एक्स में प्लस करते हैं तो आंसर आता है जीरो इसी तरीके से माइनस एक्स में प्लस करते हैं एक्स को तो भी हमारा आंसर जीरो आता है और जब हम एक्स को वन ओवर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर वन आता है अब तो हमारे पास आ गया है कॉम्पुटेटिव लॉ कॉम्बुटेटिव लॉ क्या है कि जब दो एलिमेंट्स जो किसी ग्रुप में से बिलोंग करते हैं कोई भी ग्रुप है उस ग्रुप के तम, दो एलिमेंट्स हमने कंसीडर किए हैं वो दो एलिमेंट्स पे जब हम बाइनरी ऑपरेशन इनकी प्लेस चेंज करके लगाएं तो दोनों साइड पे इनका आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। ये है हमारा अबिलियन ग्रुप सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रुप उसके बाद पढ़ा हमने सेमी ग्रुप उसके बाद मोनाइड पढ़ा और फिर हमने ग्रुप पढ़ा और ये है अबिलियन ग्रुप ये तमाम ग्रुप्स जो हैं, वो ये जो प्रॉपर्टीज हम इधर डिस्कस कर चुके हैं ये सारे के सारे ग्रुप्स इन प्रॉपर्टीज की बेस में हैं जी मेरी कौन के नौजवानों इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि कमुटेटिव ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर जो सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें अल्लाह ने के बाद